के गीत और आपके बीच में लेके चला हूँ, ये मेरा अंतिम गीत है। उसके बाद भाई संदीप का और मेरा गुरु डी का फार्म आ रहा है, वो पेपर दे के आना भाई सुबह। तो साथियों एक गीत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, बड़े भाई प्रवीण बड़सी के द्वारा बनाया गया है। वो गीत आप बड़े ध्यान से सुनना साथियों। ताली वाली बजाने की कोई जरूरत नहीं है, नाचने गाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको समझना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आप सबको जगाने के लिए, आप सबको ऊंचा उठाने के लिए क्या नहीं किया साथियों। इस गीत के माध्यम से भाई प्रवीण बड़सी ने जिन्हें बताने की कोशिश करी है। 5 मिनट का गीत साथियों, बड़ा सुनने और समझने का है। एक बात के द्वारा आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ साथियों, सुनना और उस पर अमल भी करना साथियों। तेरे मेरे प्यार का बाबा कैसा नाता है, तेरे मेरे प्यार का बाबा कैसा नाता है। देख के तेरी मूर्ति को बाबा कद लग चलेगा, मैं हो बर्बाद गई। ओ इस तेरे मिशन में था, ओ इस तेरे मिशन में भीम मेरी चार औलाद गई। कद लग चलेगा, मैं हूँ बर्बाद गई। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी बहनें और ये भाई अगर ये बैठे हैं तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की चार चार औलादों का खून पी करके आप लोग यहाँ पे बैठे हो साथियों। बाबा साहब भी अगर आपकी तरह चुप होकर बैठ जाते, ऐसा आराम अगर कर लेते, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे बहनों मेरे भाइयों, ऐसे शेर की तरह, ऐसे मेरे बेटे बेटियां ऐसे शेर की तरह इन मंचों पे अगर दहाड़ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है साथियों। साथियों पैसे से गवर्नमेंट टीचर हूँ, दिन में बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ, रात को आप जैसे भाइयों को कोशिश करता हूँ दो लाइनों के माध्यम से समझाने की। समझा तो क्या पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ साथियों उस पथ पे चल के, इस बहुजन मिशन मोमेंट की बात करके कि 1-2% तो कुछ मेरे भाई मिले जो बाबा साहब की, मान्यवर साहब कांसी राम जी की विचारधारा को जान सके। साथियों मैं बताना चाहता हूँ मेरी बहनों, अगर बाबा साहब भी आपकी तरह अगर सोच लेते कि नहीं मुझे समाज का भला नहीं करना, तो ऐसे दिन हमें आने के नहीं थे साथियों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक से बढ़कर एक औलाद आपके बहुजन मोमेंट में लगा दी थी साथियों। पूरा पूरा परिवार बलिदान न्यौछार कर दिया था, पूरे परिवार आप लोगों को ऊपर वार दिया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। लेकिन साथियों माँ रमाबाई रोते हुए बाबा साहब को बार बार समझाने का प्रयास करती है और बताती है कि बाबा साहब एक से बढ़ के एक औलाद जा रही है इस बहुजन समाज के ऊपर, आप और क्या करना चाहते हो। बाबा साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, माँ रमा बाई जी रोते हुए गले लगा के बाबा साहब को क्या कहते हैं साथियों। बड़ा सुनने और समझने की बात है, भाई प्रवीण बड़सी ने बड़े हीरो की तरह पिरो के इस गीत को बड़े अच्छे तरीके से लिखा है साथियों। और मैं कोशिश गाने की कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं समझाऊं कि बाबा साहब ने आप लोगों के लिए क्या नहीं किया साथियों। अंतिम में बाबा साहब ने रोते हुए कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया साथियों। अभी भी वक्त है मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभी भी सुधर जाओ। बाबा साहब के इतिहास को जानिए, पढ़िए बाबा साहब ने तुम्हारे लिए क्या किया और बदले में आप लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या दिया। मैं साथियों ये मेरा बहुजन समाज बैठा है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ
कि कभी इस समाज के ऊपर, इस बहुजन समाज के ऊपर अपनी एक बेटी को कुर्बान करके देखना, इस समाज के ऊपर अपनी एक बेटी को कुर्बान करके देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि बेटा बेटी का दर्द क्या होता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो मेरी बहनों को बराबर का हक दिलाने के लिए और मेरे भाइयों को ऊंचा उठाने के लिए साथियों चार चार औलादे कुर्बान कर दी थी। ऐसे थे मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और फिर भी क्वेश्चन मार्क लगाते कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया। अरे बाबा साहब ने आपको क्या नहीं दिया, इस गीत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, कितना दुख सहन कर करके, जिंदगी घुट घुट के जी करके भी आप लोगों को बहुत कुछ दे गए बाबा साहब। लेकिन साथियों बदले में आप लोगों ने मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या दिया, इस गीत के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। सुनना और समझना, इस पे अमल भी करना साथियों। पहली गली में माँ रमाबाई जी रोते हुए कहती है कि बाबा साहब तूने दुनिया के तो दुख दूर किए लेकिन इसके दुख कभी दूर नहीं किए। एक से बढ़कर एक औलाद जाती रही और माँ रमाबाई बार बार रोते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहती है दूर करनी समझ मेरी लाचारी हो, दुनिया के दुख दूर करनी समझ मेरी लाचारी हो, दुनिया के दुख दूर करनी समझ मेरी लाचारी हो, दुनिया के दुख दूर करनी समझ मेरी लाचारी हो। गंगा धर आज राज जतन की बारी, रमेश गंगा धर आज राज रतन की बारी, मेरी कोख उजड़ती जा रही, मेरी कोख उजड़ती जा रही, अल्लाह रह बस याद गई, लग जाएगा मैं हो बर्बाद गई, लग जाएगा मैं हो बर्बाद गई, इस तेरे मिशन में साथ, इस तेरे मिशन में साथ, चारों लात गई, लग
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बेटा राजरतन था और सबसे प्यारा बेटा था। और बाबा साहब ने रमाबाई को कहा था कि हे रमा, ये बेटा राजरतन इस दुनिया में राज करेगा बड़ा होकर के, लेकिन साथियों दवाइयों के अभाव से बेटा राजरतन भी इस दुनिया से चला गया था। और माँ रमाबाई रोते हुए बाबा साहब को कहती है, राजरतन में खुद न को सूती, राजरतन में खुद न को सूती, कैसे भर दूं पेट लाल का मैं बैठी सोचूती, ओ कैसे भर दूं पेट लाल का बैठी सोचूती, मैं अपने जीने को सूती, मैं अपने जीने को सूती, मैं हो बर्बाद गई, कतल जलेगा मैं हो बर्बाद गई, अब तेरी लड़ाई मैं, अब तेरी लड़ाई मैं, मेरे चारे लाग गई, कतल जलेगा मैं हो बर्बाद गई, कतल जलेगा और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, बहुजन साथी बहुजन साथी बहुजन साथी साथ रहना, बहुजन साथी साथ रहना, और अंतिम गली में
हैं साथियों, क्या कहते हैं मां रमा बाई बाबा साहब जी को, गलती कर दी हो माफी दे दो साहब जी को, गलती कर दी हो माफी दे दो साहब जी को, गलती कर दी हो दिन पड़ती कलम चलावे बनते करती हो अलवीर बड़ती कलम चलावे बनते करती हो डरती डरती हो मैंने डरती डरती हो लाके तोड़ पर यहाँ भी गई मतलब चलेगा मैं हो बर्बाद गई बदलग चलेगा वो बर्बाद गई बदलग चलेगा इतनी हाजिरी स्वीकार करें आपके अपने छोटे बेटे भाई कुलदीप सरोया की। जाने अनजाने में कोई त्रुटि या कोई भूल रह गई हो तो भाई गवांड का काम है माफी ना दियो, कान पकड़ के नुकियो बेटा कुलदीप, भाई कुलदीप तो नया गलती कर दी इसने सुधार ले ताकि मैं भविष्य में कोई गलती ना करूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, मैं राजा चाहूंगा मेरे बहुजन समाज से। साथियों इसी के साथ आपके अपने बेटे भाई कुलदीप सरोया की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय मानवर साहब कांशी राम जय जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों ने, बहुत ही मान और सम्मान दिया इस टीम का, बार बार साधुवाद धन्यवाद।